सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 10 का दूसरा भाग लेकर आए हैं जो वात्सल्य भाव कवितावली से प्रस्तुत है, जिसके रचयिता, जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस क्रम में हमने तीसरा पद तक देखा था, आज हम चौथा और पांचवा पद देखेंगे। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी जो भगवान श्री राम बालक रूप में अवतरित हुए हैं, उनके बालपन का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं, बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। आइए हम इसी पंक्ति को आगे बढ़ाते हैं। चौथी पंक्ति जो है वह कहते हैं, कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। वह भगवान श्री राम के बारे में कहते हैं कि वह बालक रूप में कभी तो शशि अर्थात चंद्रमा को मांगते हैं और चंद्रमा को मांगने की जिद करने लगते हैं। करे कबहू प्रतिबिंब निहारे डरे, और कभी वह अपनी परछाई से ही डर जाते हैं। अर्थात भगवान श्री राम जो बालक रूप में बाल लीलाएं कर रहे हैं, वह कभी कभी तो चंद्रमा को खिलौने के रूप में मांगने की जिद करते हैं, और कभी कभी वह अपने प्रतिबिंब मतलब छाई से भी डर जाते हैं। दूसरी पंक्ति में दिया हुआ है, कबहू करताल बजाएक, कभी वह बालक रूप में करताल बजाते हैं मतलब दोनों हाथों से ताली बजाने लगते हैं। कबहू करताल बजाए के नाचत, दोनों हाथ से ताली बजा कर नाचने लगते हैं। और क्या होता है, मातु सबे मन मोद भरे, जब वो ऐसी लीलाएं करते हैं भगवान श्री राम बार बार ताली बजा कर नाचते हैं, तो उनकी जो माताएं हैं वह उनको देखकर, उनकी बाल लीलाओं को देखकर प्रसन्न हो जाती हैं और मन में आनंद करती हैं। उनका मन जो है आनंद से भर जाता है जब भगवान प्रभु राम की बाल लीलाओं को उनकी माता देखती हैं। कबहू ऋषि आई कहे हटिके, पुनि ले सोई जही लागी अरे। कभी कभी क्या होता है, भगवान श्री राम जो बालक रूप में उन्होंने जन्म लिया है, वह किसी भी वस्तु को लेकर हट करने लगते हैं। वह बार बार उसी वस्तु का हट करने लगते हैं कि मुझे यही वस्तु चाहिए, ऐसा वह बार बार कहते हैं। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, कबहू ऋषि आई, कभी कभी तो वह गुस्सा हो जाते हैं, कहे हटिके, और कभी वह हट करने लगते हैं। पुनि ले सोई, कभी कुछ चीज़ को ले लेते हैं, कोई वस्तु को ले लेते हैं। ले सोई जही लागी अरे, और कभी कभी वह वस्तु को ठुकरा देते हैं। अर्थात बहुत ही सुंदर बाल लीला को यहाँ पर तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है। तो शिशु जो होता है वो कैसे बाल हट और वस्तुओं को हट करता है, परंतु किसी किसी वस्तु को वह लेने के लिए लालायित रहता है। तो यहाँ पर भगवान श्री राम जो बाले रूप में अपनी लीलाओं को प्रस्तुत कर रहे थे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनकी लीलाओं को बहुत ही सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है। इसी पंक्ति में हमारा पांचवा पद है। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, बर दंत की पंगति, बर दंत मतलब जो दांत हैं, भगवान श्री राम के जो दांत हैं उसकी पंगति मतलब पंक्ति। कुंद कली, कुंद मतलब कुमुद का एक फूल होता है, उसके कली के समान दिखाई दे रहे हैं। अधराधर पल्लव खोलन की, अधराधर मतलब दोनों होंठ जो हैं, भगवान श्री राम जब दोनों होंठ को खोलते हैं और वह लाल दिखाई देते हैं, किसके समान दिखाई देते हैं, जैसे पल्लव जो पलाश का पत्ता होता है वह लाल होता है, वैसे ही भगवान श्री राम जब अपना मुंह खोलते हैं तो उनके दोनों होंठ जब खुलते हैं तो वह लाल दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो पल्लव का वृक्ष अपने जो लाल पत्ता होता है वह दिखाई दे रहा हो। दूसरी पंक्ति में वह समझाते हैं, चपला चमके घन बीज जगे, छवि मोतन माल अमोलन की। अब यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चपला चमके, चपला चमके सा अर्थ होता है बिजली, अचानक जैसे बिजली चमक जाती है, वैसे ही भगवान श्री राम के यहाँ पर दांतों की छवि का वर्णन किया गया है। चपला चमके घन बीज जगे, जब वह दोनों अपने होंठ खोलते हैं और उनके जो सुंदर दांत होते हैं
वह सफ़ेद मोतियों के समान दिखाई दे रहे हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बादलों में छिपी हुई बिजली चमकती है और पूरे आसमान को अपनी रोशनी से भर देती है। ऐसे ही भगवान श्री राम जब अपने दोनों ओंठों को खोलते हैं, जब अपने मुंह को खोलते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे बिजली चमक रही हो। और क्या बता रहे हैं वह वर्णन करते हैं छवि मोतिन माल अमूलन की, और उनके गले में सुंदर मोतियों की जो माला पड़ी हुई है उसकी जो छवि है उसका कोई मोल नहीं है, अमूलन की उसका कोई मोल नहीं है, वह सुंदर प्रतीत हो रही है जैसे सुंदर मोतियाँ जो होते हैं, सीप जो होते हैं, समुद्र में पंक्तिबद्ध पड़े हुए हों। ऐसे ही भगवान श्री राम के गले में मोतियों की माला बहुत ही सुंदर रूप से शोभायमान हो रही है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं घुंघरारी लटे लटके। अब यहाँ पर भगवान श्री राम के बालों का वर्णन किया जा रहा है, केस का वर्णन किया जा रहा है कि घुंघरारी लटे लटके। भगवान श्री राम के जो बाल हैं वह घुंघराले हैं और लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की। सुंदर सुंदर जो बाल हैं वह घुंघराले उनके गर्दन तक फैले हुए हैं और वह सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। आगे वह कहते हैं मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, उनके जो गाल हैं वह बालों से ढक गए हैं, सुंदर केसों से ढक गए हैं, जो बहुत ही शोभायमान प्रतीत हो रहे हैं, किसी का भी मन मोह लें। ऐसी भगवान श्री राम की छवि यहाँ पर प्रस्तुत की है। आगे वह कहते हैं नेब छावरी प्राण करे तुलसी बहु जाऊं लला इन बोलन की। भगवान तुलसीदास जी भगवान की छवि का वर्णन करके कहते हैं उनके मुख के ऊपर जो घुंघराली लटाएं हैं, जो घुंघराले केस हैं, और उनके गालों पर कानों में पहने हुए जो कुंडल हैं वह लटक रहे हैं। और भगवान श्री राम जब तुतलाकर बोलते हैं, क्या करते हैं, नेछावरी प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। जब भगवान श्री राम तुतलाकर बोलते हैं तो उनके तुतलाकर बोलने पर तुलसीदास जी मोहित हो जाते हैं और वह कहते हैं कि मैं प्रभु श्री राम के तुतलाकर बोलने पर अपने प्राण भी निछावर कर दूं, ऐसा मेरा मन करता है। और वह कहते हुए बार बार उन पर बलिहारी जाते हैं, बार बार उन पर सर्वस्व निछावर करने की बात कहते हैं। तो तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के बाल स्वरूप का बहुत ही सुंदर और आनंदपूर्ण यहाँ पर वर्णन किया है, कैसे बालक बाल रूप में होता है तो कैसी लीलाएं करता है, कैसे हट करता है, कैसे उनके चरित्र का यहाँ पर भगवान का वर्णन किया है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी द्वारा भगवान श्री राम के बाल स्वरूप का बहुत ही सुंदर वर्णन किया था। आशा करता हूँ आपको यह पाठ समझ में आया होगा। आज हमने ये दूसरा भाग बनाया था। धन्यवाद।